हेलो, हेलो। हे, क्या पकाऊं तुम्हारे लिए आज? क्या पकाऊं से क्या मतलब है यार? रोज फोन कर करके पूछोगी मुझसे क्या पकना है? जो दिल चाहे वो पका। तो मैं ऑफिस काम करने के लिए आता हूं, तुम्हारे घर का मेनू डिसाइड करने के लिए नहीं। अली, नाराज हो मुझसे? तो बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा था भाई, और तुम आई और आते बिजी हो गए। चलो मान लिया कि तुम पर बर्डन बहुत ज्यादा है, पर तुम ऑफिस जब आई थी तो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी एटलीस्ट। अली, मैं आ रही थी तुम्हारे पास, मुझे पप्पा जान ने रोक लिया था एक काम के लिए। माई, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। एक टेक्स्ट करने में कितना वक्त लगता है वैसे? सॉरी सॉरी नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे मेरी माँ ही चाहिए। मैं ऑफिस छोड़ देती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम ऑफिस छोड़कर घर बैठ जाओ? तो क्या करूं? और अली, तुम मेरे साथ चलो। कहा यार? अली, तुम भी चलो मेरे साथ। वो चाचू सिकंदर अंकल के ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो साइट एरिया की फाइल को लीगल करवाना है, वकील बुलाया हुआ है। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। और तुम तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हो। चाचू ने सख्ती से कहा तुम्हें साथ में लेकर आने को। वो चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स है उसका इल्म तुम्हें होना चाहिए। यार अली, तुम ही कह दो उसे जाने को, तुम्हारे कहे बगैर ये हिलेगी भी नहीं। हाँ तुम जाओ। मैं नहीं जा रही, मैं खुद पप्पा जान से कॉल करके मना करती हूँ। हाँ बस माही नकाश के साथ निकल गई है। जी बस पहुंच ही रहे होंगे। जी शैल वी? चलो। ये तो बड़ा गलत किया, माहीन के साथ इतनी ज्यादती की। मैं तो बहुत स्वीट समझती थी आंटी जी को। जी किसको स्वीट समझा जा रहा है? आंटी जी आपके बारे में ही तो बात कर रहे थे अभी हम लोग। आपने सारा के साथ बहुत गलत किया उसको सपोर्ट करके। आपको तो उन्हें समझाना चाहिए था। बेटा ये हमारे घर का मामला है, इससे जितना दूर रहो तो बेहतर है। मैं तो सिर्फ सच ही बता रही थी आंटी, मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों बहुत गलत विकेट पे खेल रहे हैं। परी दानी, तुम इससे पढ़ाई कर रहे हो या अपने घर की स्टोरियां सुना रहे हो इसको? अरे आंटी जी, आप डैनियल को क्यों डांट रही हैं? पूछा तो मैंने ही था ना। देखो परी, तुम बहुत अच्छी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि इस मामले में पढ़ के तुम अपने आप को बुरा साबित करो, इसलिए इस टॉपिक पे दोबारा बात ना हो तो ज्यादा अच्छा। क्या जरूरत थी अम्मी से सब बात करने की? मैं नहीं डरती हूँ सच बोलने से। जो गलत है ना उसको गलत ही बोलना चाहिए। और वैसे भी मेरे भैया ने मुझे सिखाया है कि सच बोलो, बिना डरे बिना झुके। देखो परी, इसी तरह माई की साइड लेती रही ना तो तुम्हारे इस घर में एंट्री बंद हो जाएगी। हाँ तो मुझे परवाह भी नहीं है कोई। क्या मतलब परवाह? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्यों, मुझे फर्क पड़ना चाहिए क्या? हाँ क्यों पड़ना चाहिए, अच्छा जरा बताना मुझे। क्योंकि मैं क्योंकि क्या आप बताओ ना। लो भाई, सच बोलना भी गुनाह है। आप तो कसम से
कुछ ला दूं तुम्हें? सर में दर्द हो रहा है। नहीं, रहने दो। तेरा गम और हम।